दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 24 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। आज विशेष बात, क्योंकि विषय विशेष है और हमारे दर्शक जैसा कि देख रहे होंगे, एक ही सरी के पीले यानी शुभत्व को प्रदान करने वाले परिधान में बहने पधारी हैं। तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए एक बार। तेरापंथ महिला मंडल, आप सदस्याएं हैं और विशेष बात यह है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, प्रश्नोत्तरी के प्रति अपना अगाध स्नेह प्रकट करने के लिए अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्षा और सचिव भी आज यहां पर पधारी हैं, वो भी हमारी मुख्य अतिथि हैं और उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमुद कछारा, महामंत्री नीलम सेठिया और जयपुर सीस की अध्यक्षा सुशीला चोपड़ा और जयपुर शहर की अध्यक्षा मधुश्याम सुखा, तो उन सभी के सम्मान में तालियां बजाइए क्योंकि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं ये, और इनसे उनके जो अनुभव हैं उसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। विशेष बात यह है कि गांधी जी ने यह कहा था कि कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर थॉट्स विल बिकम योर वर्ड्स, कीप योर वर्ड्स पॉजिटिव बिकॉज योर वर्ड्स विल बिकम योर बिहेवियर, कीप योर बिहेवियर पॉजिटिव बिकॉज योर बिहेवियर विल बिकम योर हैबिट्स, कीप योर हैबिट्स पॉजिटिव बिकॉज योर हैबिट्स विल बिकम योर वैल्यूज, एंड कीप योर वैल्यूज पॉजिटिव बिकॉज योर वैल्यूज विल बिकम योर डेस्टिनी। गांधी जी सदैव स्वच्छता को प्रश्रय देते थे, वो गुणगान करते थे, वो ये कहते थे कि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, जीवन में उन्नयन हो, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, तो पहली शर्त है स्वच्छता, स्वच्छता और स्वच्छता। गांधी जी सदैव ये कहा करते थे कि यदि कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ना चाहता है तो अति आवश्यक है कि वो महिलाओं को सम्मान दे, उनको मान दे, उन्हें आगे बढ़ाए, उनका शोषण नहीं करे, गुलामी की तरह या पैर की जूती नहीं समझे। आज इसी संदर्भ में इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है और उसमें हम इन्हीं से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने बात की स्वच्छता आंदोलन की और जब भारत के बाहर भी विदेशों में उन्होंने चर्चा की स्वस्थ भारत अभियान की, तो लोग चौंके कि एक देश का प्रधानमंत्री अन्य चीजों के अतिरिक्त या उनको छोड़ते हुए अधिक महत्व दे रहा है स्वच्छता को, स्वच्छता मिशन को, औचित्य क्या है। धीरे धीरे लोगों के समझ में आया कि जो व्यक्ति अनुप्राणित है स्वच्छता को लेकर, जागरूक है स्वच्छता को लेकर, यानी हमारे इर्द गिर्द गंदगी नहीं है, मक्खियां नहीं है, मच्छर नहीं है, कीटाणु नहीं है, पानी स्वच्छ है, तो बीमारियां नहीं होगी, और जब स्वच्छता जहां पर विराजित होगी वहां पर तो कहना ही क्या। इसी के साथ साथ बात चलती है बेटी बचाओ कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री जी ने जब जब अवसर आता है वो इसकी चर्चा करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कुछ सिरफिरे ऐसे हैं, निरे मूर्ख ऐसे हैं, वो नहीं जानते कि प्रभु ने इस धरा पर आपको जब अवतरित किया है तो प्रभु का कोई मंतव्य होगा। लाखों लाख करोड़ों अरबों लोग यहां पर हैं, फिर भी आपको जो भेजा वो उसकी सार्थकता को नहीं समझते, प्रभु को साधुवाद या धन्यवाद नहीं देते, और भ्रूण हत्या जैसा जघन्य पाप के वो भागीदार बन जाते हैं। सरकार प्रयास करती है, कानून बनाया 94 में, कानून बनाया 1996 में लागू हुआ और 2003 में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया, क्योंकि तकनीकी में परिवर्तन आ गया, अब गर्भधारण हो जाने के पश्चात ही पता लगे कि लड़का है या लड़की, वो नहीं उससे पहले ही तय कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं बाहर ही भ्रूण के क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए या लड़का होना चाहिए, तो
कानून में परिवर्तन हुआ, लेकिन कानून अपनी जगह, कानून को अमली जामा पहनाने वाले लोग भी इसी समाज के, मानसिकता वही। और जब नारी की बात करते हैं, नारी के उन्नयन की बात करते हैं, हां परिवर्तन हुआ है पिछले 50 वर्षों में। पहले घूंघट में नारी, फूंकनी, आंखों में धुआं, गीली लकड़ियां, सुबह से आरंभ किया तो शाम तक चूल्हा जल रहा है, सभी को गर्म 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 खाना चाहिए। बीमार हो जाए तो पता नहीं घुट जाती थी तो कहते हैं भूत भूतनी हो गई, अमूजनी आ गई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह की बातें या चर्चाएं हुआ करती थी। स्वास्थ्य का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन अब परिवर्तन आया है, शिक्षित किया जा रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, महिलाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। और उसके अतिरिक्त आवश्यकता इस बात की है कि आर्थिक स्वावलंबन हो, वो स्वयं सक्षम हो कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं चाहूं जैसे खर्च कर सकती हूं। और इन सबसे बढ़कर है निर्णय लेने में भागीदारी। जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो थोपे जाते हैं पुरुषों द्वारा, वो नहीं हो करके वो स्वयं निर्णय ले या भागीदार बने। तो आइए आरंभ करने जा रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं नमोकार मंत्र से। तालियां बजाइए जोरदार तरीके से, आप जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरों से बजाइए आपके सम्मान में। तो मेरा पहला सवाल आपको ये बताना है कि हमारी संस्कृति में जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो मान्यताएं हैं, हम उन्हें मानते हैं, और उनके पीछे निचोड़ है सदियों का जो अनुभव रहा है हमारे पूर्वजों का। एक ऐसी ही मान्यता है कि दीपावली के दिन रात्रि में और विशेष रूप से अर्धरात्रि के बाद भी कहते हैं कि लक्ष्मी विष्णु की शैया छोड़कर पृथ्वीलोक पर विचरण करती है और अपनी पसंद के घरों में, संस्थानों में वह प्रविष्ट होती है। यह भी मान्यता है कि लक्ष्मी अपने साथ अपनी बहन दरिद्रा को लेकर के भी आती है, वो अपनी पसंद के मकान या संस्थानों में प्रविष्ट होती है। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि किन जगहों पर लक्ष्मी प्रविष्ट होती है और किन जगहों पर, पूछूं मैम आपसे, पूछ लूं तो आप बताइए दो साहब जी। जहां स्वच्छता, सफाई और रोशनी होती है वहां लक्ष्मी जी पधारती है, और जहां गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, वहां दरिद्रता आती है। वाह वाह वाह, क्या बात, शुभ नाम आपका? सुशीला पुगलिया। वाह सुशीला जी, सुशीला जी, सुशीला जी, वाह साहब वाह साहब, तालियां जोरों से बजाइए जोरदार तरीके से मैम के लिए। स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दिल्ली में झाड़ू लगाकर प्रतीक के रूप में इसका उद्घाटन किया। आपको बताना है वो कौन सा स्थल था
जहां पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू लगाया और कौन सी तिथि को, और एक पुरस्कार और दे दूंगा इसमें और मैं। जी 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 बोलिए आप। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद, हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप हंसी हैं साहब तो, अरे नहीं ऐसे नहीं, देखिए साहब ऐसे नहीं, अब चलिए मैं, आप भी क्या याद करेंगे, क्योंकि आपको लगा और एक गलती हो गई, गलती कभी नहीं होती सब, वो अतिरेक होता है, वो आवेग होता है, क्योंकि जानकारी असीम है आपके पास। जी राजघाट पर। राजघाट पर, अब तिथि बताएं साहब। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठहरिए, दो अक्टूबर। हाँ अक्टूबर बिल्कुल सही है भाई, इतना बहुत, हाँ 2000। हाँ ना, उधर मत देखो साहब, 14 मदद करने वाले बहुत हैं आपके। शुभ नाम? मैं कल ही आई जोधपुर से। अच्छा अच्छा, नहीं पर ये तो 2014 में हो गया साहब। शुभ नाम आपका? प्रेम मेहता। प्रेम जी, प्रेम मेहता साहब के लिए बहुत तालियां जोरों से। स्वच्छ भारत अभियान, वाह वाह, स्वच्छ भारत। तो ठीक है साहब, आपने कहा राजघाट पर 2 अक्टूबर 2014 को किया था, तो ये तो पूरी बात आपने मोटे रूप से बता दी। तालियां जोरों से बजाइए मैम के लिए। देखिए ये स्वच्छ भारत अभियान, मैम ने कहा 2 अक्टूबर यानी 2014 को, यानी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। आपको ये बताना है कि इस तिथि को क्यों चुना गया, गांधी जी की तिथि को क्यों चुना गया, ये बताएं। जी बोलिए आप। क्योंकि गांधी जी का सपना था कि वो अपने भारत को स्वच्छ देखना चाहते थे, साफ सुथरा देखना चाहते थे, तो उन्हें उनकी पुण्यतिथि पे ये चुना गया। और गांधी जी सदैव शिक्षित करते थे, लोगों को अवेयर करते थे, अपने राष्ट्र को शिक्षित करना चाहते थे। शुभ नाम? ऋतु चोपड़ा। ऋतु चोपड़ा के लिए जोरदार तालियां बजाइए साहब, ऋतु जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियां जोरों से बजनी चाहिए साहब। प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से अपेक्षा की है, उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2019 को हम भारत को स्वच्छ भारत यानी क्लीन इंडिया घोषित करना चाहते हैं। बताएं इस तिथि को ही क्यों चुना, क्या विशेष बात, रेखांकित कर दूं 2019, इधर थोड़ा ध्यान धरिए और जीतिए पुरस्कार। चलिए साहब आपको पूछता हूँ सब, हाँ सब बताएं। क्योंकि उस दिन गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ जन्म की। शुभ नाम? सीमा दुगड़। सीमा दुगड़ जी, क्या बात है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। जोरदार तालियां बजाइए सीमा जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि बापू को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनकी 150वीं जन्म जयंती की जो वर्षगांठ है उस दिन हम घोषित कर पाए कि भारत स्वच्छ हो गया। तालियां जोरों से बजाइए और हम संकल्पित होते हैं कि प्रधानमंत्री जी के इस अभियान में हम सभी लोग और हमारे लाखों लाख दर्शक जो दुनिया भर में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इसमें सहयोग करेंगे। तालियां बजाइए संकल्प के लिए आप। अब देखिए राम सापीर, तेरे ताली नृत्य, बाबा रामदेव, कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है अपने आराध्य देव रामदेव जी के सामने ये गीत प्रस्तुत करती है।
महारानी कॉलेज की गर्ल्स ने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में कुछ समय पूर्व इस नृत्य की प्रस्तुति दी थी, उनके लिए बच्चियों के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। और कुमुद कछारा जी यहाँ पर विराजित है, खड़ी हो जाएं आप जी। देखिए आप राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं जी सर, और कोई भी जब संस्था होती है तो उसके उद्देश्य होते हैं जी। तो आप ये बताएं कि इतनी महती जिम्मेदारी को आप कैसे संभालती हैं और जो संस्था के उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने में आप क्या कर रही हैं, या मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताएं आप जी। सर ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में जी, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सभी क्षेत्र में महिलाओं का सर्वांगीण विकास किस तरह कर सकते हैं हम जी, तो उस दिशा में कार्य कर रही है। और हमारी लगभग 425 शाखाएं हैं पूरे देश भर में, और इसके 65,000 सदस्य है। शायद ये हमारा पहला ऐसा संगठन है जिसके इतनी बड़ी संख्या में सदस्य है, और उनकी सशक्त शक्ति के माध्यम से हम पूरे देश भर में कुछ मुख्य योजनाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। उन प्रमुख योजनाओं में हमारी एक योजना है स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज जी। और इसके अंतर्गत अभी अभी आपने सर बताया कि उन्नयन, महिलाओं का उन्नयन करना, तो हम लोग महिलाओं का उन्नयन हर दृष्टि से किस तरह से हो उसके लिए सघनता से कार्य कर रहे हैं। वो आजकल इतनी समस्याएं जो दहेज, भ्रूण हत्या और तलाक की आदि समस्या है, तो उसके लिए महिलाओं की मानसिकता बदलने की दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। काफी हमें हद तक सफलता मिली है और भी हमें आगे सफलता मिलेगी ऐसा विश्वास है। और इसके अंतर्गत हमारा अभी मुख्य प्रोजेक्ट जो आ रहा है सामने वो फिजियोथेरेपी सेंटर, आचार्य महाश्रमण फिजियोथेरेपी सेंटर, क्योंकि आजकल शारीरिक दृष्टि से हम देख रहे हैं कि बहुत अपेक्षा महसूस हो रही है उसकी, तो ये हमारा लाडनो में मुख्य सेंटर है और उसके पूरे देश भर में हम उसकी ब्रांचेस खोलने का अभियान मुहिम छेड़ी है। तो इसका आज जयपुर शहर महिला मंडल ने उसका उद्घाटन करवाया है, और हम आशा करते हैं कि पूरे देश भर में जहां पर भी अपेक्षा होगी अखिल भारतीय महिला मंडल उसमें सहयोग प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो क्लीन इंडिया मिशन यानी स्वच्छ भारत अभियान है, उसकी मूल उद्देश्य क्या है इसे बताएं। मूल उद्देश्य से मतलब आपको यह बताना है कि कितने शहरों को या कस्बों को छांट लिया गया है और वहां पर सघन कार्य किया जा रहा है इस दिशा में, बताएं और जीतें पुरस्कार। मैंने क्लू भी काफी दे दिया आपको। पूछूं आपसे साहब, खड़ी होइए जी। ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई है, इसमें 4,041 गांवों कस्बों को लिया गया है, शहरों को भी लिया गया है, जिसमें कि वहाँ की सड़कें और गलियां इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको साफ सुथरा और सही बनाया है। जानकारी, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। शुभ नाम रीता बैद। रीता जी क्या बात है, रीता जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए साहब रीता जी के लिए। देखिए प्रधानमंत्री अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हों, या प्रधानमंत्री आपके मैडम बैद के जो उद्गार सुने या स्पष्ट उत्तर को सुने, तो उन्हें असीम आनंद की अनुभूति होगी कि जिस भावना से, जिस अपेक्षा से प्रधानमंत्री जी ने हर देशवासी का आह्वान किया कि उठ खड़े होइए, जुट जाइए, भारत को स्वच्छ बनाना है, वो कहेंगे अब इसे कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उद्गार एक महान शख्सियत ने प्रकट किए, मैं उन्हें आपके सामने दोहरा रहा हूं। आपको याददाश्त पर थोड़ा जोर डालना है, बड़ा ही सरल सवाल है, आपको बताना है ये उद्गार किनके हैं और किस अवसर पर उन्होंने ये उद्गार प्रकट किए। कोट, क्या हमें कभी दर्द हुआ है कि हमारी माँ और बहनों को खुले में शौच करना पड़ता है? गांव की गरीब महिलाएं रात की प्रतीक्षा करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं उतरता है तब तक वे शौच को बाहर नहीं जा सकती, उन्हें किस प्रकार की शारीरिक यातना होती होंगी? क्या हम अपनी माँ और बहनों की गरिमा के लिए शौचालयों की व्यवस्था नहीं कर सकते? अनकोट, बताएं महिलाओं की शोचनीय दशा का प्रकटीकरण करने वाले ये भावनात्मक उद्गार किसने और किस अवसर पर प्रकट किए, बताएं और जीते पुरस्कार। चलिए दो पुरस्कार दे दूंगा, एक पुरस्कार तो किसने
और एक बताएंगे आप? चलिए खड़े होइए साहब। माननीय नरेंद्र जी मोदी ने। पक्का? हाँ जी। आपका शुभ नाम? सौभाग वेद। सौभाग जी आप तो खुद अध्यक्षा रही हैं, क्या बात है, आपकी जानकारी होनी। तालियां बजाइए सौभाग जी के लिए। तालियां तो जोरों से बजनी चाहिए साहब, जोरों से। अब आपसे पूछ ही लूं साहब, बोलिए आप। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में उन्होंने ये शब्द कहे थे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। आपका शुभ नाम? दीपिका दुग्गड़। दीपिका दुग्गड़ के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं साहब। अब आप जब स्वतंत्रता दिवस कह दिया तो 2014 के लिए फिर मैं पुरस्कार दूं, उसकी तालियां जोर से बजाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2014 यानी 15 अगस्त 2014 को राष्ट्र के नाम संदेश में ये उद्गार प्रकट किए। तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए खुले में जो शौच है, हमें प्रयास करना है कि हर गांव में कोई घर ऐसा नहीं रहे। तो एक गांव में नहीं होगा तो पंचायत पूरे में नहीं होगी, तो फिर पंचायत समिति में नहीं होगी, तो फिर जिले में नहीं होगी। ये सारा अभियान चल रहा है। और अभी आप में से अगर कुछ लोग बता सकें कि राजस्थान में कितने प्रतिशत पंचायतों में 100% अगर अखबार में पढ़ा हो तो अंदाजा लगाइए आप। आजकल में ही आया है, ये बात आई है कि खुले में शौच से वो पंचायतें मुक्त हो गई है। तो प्रतिशत बताना है आपको और जीतना है पुरस्कार। और दूसरा आपको ये बताना है कि दो जिले सबसे आगे कौन से हैं, बताइए और जीतिए पुरस्कार। चलिए आपसे पूछता हूं सर जी। बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू। हाँ, सही है साहब। शुभ नाम? सरिता कोचर, मैं चूरू की हूँ। वाह, मैं तो चूरू की हूँ, आई एम अथॉरिटी ओवर द सब्जेक्ट। ये ताल ठोकने का अंदाज होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है सब, क्या बात है। जोरदार तालियां बजाइए आपके लिए। अब आप प्रतिशत बता सकें कि राजस्थान में कितने प्रतिशत पंचायतें शत प्रतिशत खुले में शौच करने वालों से मुक्त हो गई है, कोई नहीं करता है, प्रतिशत। उन्होंने हाथ खड़ा किया पहले जी। 2.36। नहीं नहीं नहीं, प्रतिशत 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 जी 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 20% नहीं साहब। जी 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 जी, हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा जी, बोलिए आप। 195 जी। 90% हो गया। 90%। चलिए वेरी नियर टू दैट, मैं आंसर उत्तर दे दूंगा जो वेरी। आपको पुरस्कार मिला जी, बोलिए आप। अरे आपको पुरस्कार मिला है क्या? अच्छा, कोई और होगा। 70%। आपका शुभ नाम? पिंकी सुराना। देखिए पिंकी जी, ये वेरी नियर टू 77% लगभग पंचायत है राजस्थान में। जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरों से बजनी चाहिए, जोरदार तरीके से तालियां बजनी चाहिए। देखिए राजस्थान में 9,850 पंचायतें हैं, उनमें से करीब 7,600 पंचायतों में यानी 77% में। तालियां बजाइए मैम के लिए, जोरदार तरीके से आप। देखिए अब आप चूरू से आई हैं और हमने बात की थी तो आपने कहा कि दो जिले सर्वश्रेष्ठ हैं, एक तो बीकानेर और दूसरा है चूरू। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने क्या किया, एक नारा गढ़ा, उस वो नारा के यस, इस नारे को सार्थक करना है तो आपको बताना है क्या नारा था बीकानेर का और चूरू का। चलिए बोलिए साहब आप जी। बाको बीकानेर और चोखो चूरू। देखिए चलिए मैं इतने ठहरी, नहीं नहीं कोई बात नहीं। शुभ नाम बताओ आप। प्रेक्षा। प्रेक्षा, प्रेक्षा चोपड़ा जी। प्रेक्षा जी को मैं दे देता हूं क्योंकि आपने या क्या कहना चाहिए 77% सही बता दिया, जितनी पंचायत होगी। आप जो शुद्ध बताएंगे, आप बताएंगी मैम? हाँ। खड़ी हुई है आप।
जी बांको बीकानो चोखो चूरू सुना मैम बांको बीकानो और चोखो चूरू आपका शुभ नाम सुशीला नखत सुशीला जी सुशीला नखत जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए जोरदार तालियां बजाइए सर तो आइए नीलम सेठिया जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनसे भी बात करते हैं और क्या योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन आप अखिल भारतीय स्तर पर कर रही हैं सर हमारी एक प्रमुख योजना है आओ चले गांव की ओर जी उसके अंतर्गत हम ग्रामीण महिलाओं का विकास चाहे स्वच्छता हो स्वस्थता हो या शिक्षा हो इन तीनों दिशाओं में हम उनका उनका विकास करवाते हैं जी। और इसी के अंतर्गत हमारी एक मुख्य योजना अभी अभी माननीय मृदुला जी सिन्हा जो गोवा की गवर्नर है उन्होंने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वच्छ भारत अभियान का वाह वाह क्या बात है सर क्या बात है वाह 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 बहुत सुंदर बात जी इसी के तहत पिछले दो सालों में लगभग 350 शौचालयों का निर्माण करवाया है बहुत सुंदर सब हजारों हजारों डस्टबिन और प्रचार प्रसार के अनेक अनेक माध्यमों से हम इस स्वच्छ भारत अभियान मिशन पर काम कर रहे हैं और इसी के साथ यह जो 14 नवंबर आ रहा है इसमें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी एक योजना ला रहे हैं बाल स्वच्छता अभियान जी तो तेरापंथ महिला मंडल भी 14 नवंबर को निर्माण नाम से एक स्वच्छ बाल स्वच्छता अभियान योजना लॉन्च कर रहा है जिसमें पूरे देश में स्कूलों में यह मुहिम छेड़ी जाएगी बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत तालियां जोरों से बजाइए सर जोरों से बजाइए तो आइए एक और राजस्थानी लोक नृत्य जद जद देखा बना जी की लाल पीली अखियां जद जद देखा बना जी लाल पीली अखियां अगला सवाल भारतीय संसद ने कानून बनाया भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए आपको बताना है उस कानून का नाम क्या है दो तीन पुरस्कार दे दूंगा संक्षेप में बता दें एक पुरस्कार विस्तारित रूप बता दें दूसरा पुरस्कार अगर हिंदी में बताया तो इंग्लिश में बता दें तीसरा पुरस्कार इस तरह तीन पुरस्कार मैं दे दूंगा मैम आपने हाथ बड़ी तेजी से खड़ा किया है क्या बात है जी बताएं आप इस कानून का नाम है PCPNDT एक्ट PCPNDT एक्ट ईयर 1994 कोई बात नहीं शुभ नाम पुष्पा बैद जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए जोरदार तालियां अब PCPNDT एक्ट 1994 इसका विस्तारित रूप हिंदी और अंग्रेजी में और जीतिए पुरस्कार PCPNDT एक्ट PCPNDT प्री कंसेप्शन पीसी प्री नेटल प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डीटी डिटेक्शन टेक्निक्स एक्ट 1994-96 में लागू हुआ और 2003 में पहले था PNDT एक्ट और ये पीसी प्री कंसेप्शन ये बाद में जोड़ा गया और हिंदी में कहेंगे गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 तालियां जोरों से बजाइए आप देखिए अब हम चाहेंगे सुशीला चोपड़ा जी
मैम जयपुर में क्या गतिविधियां हैं आपकी, उस पर प्रकाश डालें जी। एक मासिक पत्रिका निकलती है नारी लोक, उसमें चार योजनाएं है हमारी, जिसमें से कोई योजना को लेके हमें ये वर्क देते हैं जी, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं जी। जैसे अभी इन्होंने दिया था स्वच्छ भारत पे, तो इको फ्रेंडली दिवाली पे, तो तब हमने प्रदूषण रहित दिवाली मनाने का कम से कम 25 स्कूलों में जाके 4600 बच्चों को हमने अवेयर किया कि दिवाली के फटाके नहीं छुड़ाने, धुआं से कितनी बीमारियां कितनी फैलती है, तो कहीं बच्चों ने लिखित में हमें दिया कि हमें दिवाली में फटाके नहीं छुड़ाएंगे। बहुत बहुत और आपको बधाई इस बात के लिए कि आप भी पधारी थी। क्या एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हम करना चाहेंगे, सभी बहनों को लेकर के आएंगे। वाह क्या बात है, क्या बात। बिराजी साहब बिराजी, और मैं जब सोचता हूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैम आप अध्यक्षा हैं, नाम क्या है साहब? मधुश्याम। कुछ बताइए आप क्या कर रहे हैं सर? अभी अभी 75 बाथरूम चाकसू जिला के दहलाना गांव में बनाए हैं। तालियां बजाइए साहब। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्वच्छता अभियान के तहत जी आज ही जयपुर शहर ने फिजियोथेरेपिस्ट आचार्य महाश्रमण फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया है, मानव सेवा संघ प्रेम निकेतन आश्रम में। जैसा कि नाम से विदित है मानव सेवा, तो मानव सेवा का अनूठा क्रम आज से शुरुआत होती है जी। जी अखिल भारतीय के निर्देशानुसार ये हमारा पहला सेंटर खुला है पूरे देश में जी। जी तो हम इसी से हम शुरुआत करते हैं मानव सेवा का काम, कन्या सुरक्षा का काम, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज का काम। और हमने अभी अभी गांव के अंदर थैला, जैसे हमारी प्लास्टिक की थैलियां बंद हो गई है, तो हमने स्वावलंबन का काम भी शुरू किया है कपूरपुरा गांव के अंदर। हमने थैलियां बंद करके डिपार्टमेंट स्टोर्स में हमने कपड़े की थैलियां का काम भी हमने शुरू कर दिया है। इस तरह के काम हम निरंतर कर रहे हैं। बधाई दीजिए, बधाई दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए मैम के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजाइए सर। अब देखिए जब इतनी बात चली है तो बात फिर प्रेरणा की होनी चाहिए, प्रेरणा गीत आपका जो है वो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा सभी को मिलती है जब कानों में मिश्री घुलती है। आइए पधारिए आप, तालियां जोरों से बजाइए इस गीत के सम्मान में, आप जोरदार तालियां बजाइए। संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बन कर हम सूरज की किरणे, युग धारा में प्राण भरे। आओ PCPNDT एक्ट 1994 के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, और भ्रूण परीक्षण जो कि बैन है, नहीं किया जा सकता, जो करते हैं ऐसे डॉक्टरों को पकड़ने के लिए जो योजना चलाई गई है डिकॉय ऑपरेशंस, यानी एक बस जैसे कहते हैं ना शिकारी शिकार, यानी वो चारा डालता है शिकार को, तो उसी प्रकार से उनको फंसाने के लिए जो ऐसा काम करते हैं, अपराध करते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में अभी तक कितने डिकॉय ऑपरेशंस किए गए हैं, बताएं और जीतें पुरस्कार जी। वहां खड़ी होइए साहब आप। 95। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। चलिए उधर आप बहुत दूर बैठे हैं, पूछा आपको मैंने पहले जी।
93. शुभ नाम? सीमा सुराना. सीमा सुराना, वाह क्या बात है. सीमा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए साहब सीमा जी के लिए. चलिए आप अगर ये भी बता दें कि इसमें से कितने ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय यानी हाँ यस इंटर स्टेट यानी राजस्थान के बाहर कार्रवाई की गई है और राजस्थान के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की गई है. अगर आप बता दें तो एक पुरस्कार और बताइए और जीतिए पुरस्कार. चलिए साहब किसे पूछूं. मैम खड़ी होइए आप. जी जी 25. आपका शुभ नाम? अलका दुगर. अलका जी क्या बात है, क्या बात है, क्या जानकारी. तालियां जोरों से बजाइए सर. देखिए साहब तालियां तो जोरों से बजनी चाहिए, जोरों से बजनी चाहिए. देखिए बाल लिंगानुपात यानी लिंगानुपात की जब बात करते हैं तो प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है. लेकिन जब बाल लिंगानुपात की बात करते हैं तो पहला सवाल बाल लिंगानुपात में 0 वर्ष से लेकर के कितनी आयु तक के बच्चे शामिल किए जाते हैं. तो पहला सवाल तो है एक. दूसरा आपको यह बताना है कि वर्तमान में यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात क्या है ये बताएं. दो पुरस्कार पूछ लूं आपको. हाँ मैं सोचता हूं विश्व शांति के लिए अति आवश्यक है कि मैं इस राह से बार बार गुजरता हूं तो आपको पूछ ही लूं. जी खड़ी होइए आप. जी पहले का है 0 से 6. 0 से 6 यानी पहले का यानी बाल लिंगानुपात की जो बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो. आपका शुभ नाम? विजय लक्ष्मी. विजय लक्ष्मी जी क्या बात है, क्या बात है. हंसी का आवेग, तालियां बजाइए जोरदार. पूछ लूं आपको ही. अच्छा पड़ोसन खड़ी होइए मैम आप. जी बताएं आप. 939 बोला है साहब. ये आप शायद 10 साल पहले चले गए हैं. वो भी गलत है ना साहब, वो कुछ और है. वो 939 आप जो बोले उसमें सार है पर वो क्या है, वो भी वर्तमान है. वो वर्तमान क्या है मैं बताऊंगा. वो हाल ही में हुआ है, सर्वे हुआ है, वो हुआ है. चलिए 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 आपको पूछता हूँ. जी बोलिए आप. सर ये 2001 में तो था. 2011 बोलिए पहले. 888 888 8 8 8 और अब आप बोलिए कितना था 2001 में. 909 909. आपका शुभ नाम? पूजा चोपड़ा. पूजा के लिए जोरदार तालियां बजाइए पूजा जी के लिए. बिल्कुल सही. और अब अगर जो आपने 939 बोला उसमें कुछ सार है अगर उसका कोई बता दे क्या मंतव्य और क्या बात है तो मैं एक पुरस्कार और दे दूंगा. आपको पूछा मैंने पहले. जी बोलिए आप. ये 2016 का रेशियो है 939. रेशियो, हाँ रेशियो निकला है यानी 15 लाख बच्चों का जो सर्वेक्षण किया गया उसमें आया है कि अब स्थिति सुधर रही है सरकार के समन्वित प्रयासों के कारण हम सभी जो मिलकर कर रहे हैं. आपका शुभ नाम? प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा, अरे वाह क्या बात है. प्रियंका जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए. आज के पुरस्कार विजेताओं की सूची में अंतिम नाम है प्रियंका. तो आइए घुमेरदार लंजो घुमेर का यानी घूमर का नृत्य तालियां जोरों से बजाइए आप और झूमिए इस गीत पर आप. इतनी बड़ी संख्या में पधारते हैं, इतना इंतजार करते हैं और एक ऐसे मिशन को लेकर के आप चलते हैं कि समाज का सर्वांगीण विकास कैसे हो और मनोवांछित परिणामों को कैसे प्राप्त करें उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहती हैं. सभी लोग
आप अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।